हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुजराती फेमस संभारा की रेसिपी। मूली और पत्ता गोभी का ये संभारा खाने में बेहद स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। झटपट बन के रेडी होने वाला ये संभारा आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बच्चे लोग जब सब्जियां बनती है तो कई बार नखरे करते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से संभारा बना के दोगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, और लाइक में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो चलो दोस्तों, रेसिपी की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे 100 ग्राम पत्ता गोभी। वॉश करके बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है पत्ता गोभी को। 50 ग्राम लिया है ऑनियन, हरी वाली प्याज इसको मैंने कट कर लिया है धो के। 3 से 4 हरी मिर्चे इसको भी कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में। गाजर लेंगे 50 ग्राम, इसको भी धो के छिलके उतार के इसको भी हमें कट कर लेना है। मूली को भी धो के मैंने अच्छे से कट कर लिया है। दोस्तों, वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो छोटे बड़े पीसेस में। वेजिटेबल को धोना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से वॉश करें, अच्छे से इसका पानी साफ कर ले कपड़े से, बाद में ही इसको कट करें। तो सारी सब्जियां हमारी कट होकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है दरदरा पीसा हुआ धनिया और काला मिर्च, ब्लैक पेपर एंड कोरिएंडर जिसको मैंने रोस्ट करके दरदरा पीस लिया है, ये लेंगे 1 चम्मच। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। आधा चम्मच हींग ऐड करना है बाद में हमें, और स्वाद के अनुसार बाद में हम ऐड करेंगे नमक। इसके अलावा भी जो भी ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, आपको जो पसंद हो ऑयल आप ऐड कर सकते हो। जैसे ऑयल गर्म हो चुका था तो मैंने इसके अंदर 1/2 चम्मच सरसों और 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर दिया था। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हींग, हरी मिर्च, थोड़ा सा ही पकाना है हरी मिर्च को, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए तब तक ही पका लेना है। अब हम मूली और गाजर दोनों को ऐड करेंगे। मूली और गाजर को पहले ऐड करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हो, ब्रोकली भी ऐड कर सकते हो, आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो। गाजर और मूली को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, संभारा होता है इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना होता है दोस्तों, थोड़ा सा ही बस कच्चापन निकल जाए तब तक ही पकाना होता है। इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे ताकि थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। 2 मिनट हो चुकी है, देखिए अच्छे से कलर चेंज हो चुका है मूली और गाजर का, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर ऑनियन, हरी वाली जो प्याज थी वो ऐड कर लिए, और पत्ता गोभी ऐड कर लिए। पत्ता गोभी और हरी प्याज को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है वेजिटेबल को, बस थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। बच्चों को आप इस तरीके से संभारा ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत सबको पसंद आता है। जो बच्चे सब्ज़ी के लिए नखरे करते हैं उनके लिए तो ख़ास इस तरीके का संभारा बना के रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर काला मिर्च और धनिया का दरदरा जो पाउडर बना के रखा था ना, वो 1 चम्मच ऐड कर लिया है। कोरिएंडर एंड ब्लैक पेपर का दरदरा पाउडर है वो ऐड कर लिया, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है संभारा का। स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे नमक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है सॉल्ट को, और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। कोई गेस्ट आता है तो सब्जी के साथ साथ आप इस तरीके का संभारा भी ज़रूर बनेगा। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाएंगे, बस 1/2 मिनट के लिए। 30 सेकंड के बाद हमने चेक कर लिया है, देखिए एकदम अच्छे से हमारी आधा कच्चा आधा पका संभारा बनके रेडी हो चुका है। ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है संभारा को दोस्तों। अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर। आप विनेगर की जगह पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए, ये वाला विनेगर मैंने ले लिया है,
बैक कैमरा से दिखा रही हूँ इसीलिए आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा है। तो विनेगर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। विनेगर से चटपटा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए हमारा एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से हमारा संभारा बनके रेडी हो चुका है। बहुत ही आसानी से झटपट बनके रेडी हुआ है हमारा संभारा। देखिए ठंडी के मौसम में तो ढेर सारी सब्जियां ऑलरेडी मिल ही जाती है बहुत ही कम प्राइस में, तो आप ज़रूर इस तरीके का संभारा बना के खाइएगा, सबको खिलाइएगा, सब आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।